डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी आशा के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 1 जून 2018 है। आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े। शुरुआत करने से पहले आज के कोट्स की ओर ध्यान देते हैं। ये कोट्स है एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की। उन्होंने कहा था, द ऑनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। अर्थात एक महान कार्य करने का एक ही रास्ता है कि आप अपने काम से प्यार करें। चाहे बड़े से बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, या छोटे से छोटा एक वर्कर हो, अगर वो अपने काम से प्यार करने लगे तो वो जो वर्क होगा वो एक महान कार्य होगा। एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई करता हो, अगर वो अपने पुस्तकों से प्यार करने लगे, अपने नॉलेज से प्यार करने लगे, तो उसको जो नॉलेज वो गेन करेगा, वो जो सीखेगा, और इन फ्यूचर में वो जो बनेगा एक महान व्यक्ति बनेगा, अगर वो हर चीज़ से प्यार करने लगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कल के प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि भारत के दूर संचार निगम प्राधिकरण ब्लॉकचेन की तकनीक का उपयोग किसके लिए करेंगे, यानी जो ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया तकनीक की शुरुआत की है जिसका नाम है ब्लॉकचेन, वो इसका उपयोग किसके लिए कर रही है। दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका मुख्य कार्य है टेलीकॉम संबंधी जितनी भी समस्याओं को सुलझाना, इसके साथ साथ टेलीकॉम संबंधी जितनी भी चीज़ें उन्हें रेगुलेट करना, उन्होंने हाल ही में एक ब्लॉकचेन नामक एक तकनीक की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जितने भी स्पैम कॉल हैं या तो SMS से उसे रोकना। आपको पता होगा दोस्तों कि अभी के दिनों में आपके पास बहुत सारे अनवांटेड कॉल्स आते होंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, या तो कंपनी से हो या बहुत सारे एडवर्टाइजिंग कंपनी से हो, तो उन्हें रोकने के लिए या तो मैसेजेस भी आपके पास आते होंगे, तो उन्हें रोकने के लिए ये ब्लॉकचेन नाम की तकनीक का यूज़ किया जा रहा है। इस ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य उद्देश्य होगा गैर अनिवार्य कॉल्स को और गोपनीयता सुनिश्चित करना, साथ में जितने अनवांटेड कॉल्स हैं उन्हें रोकना। तो जब ट्राई की बात आई है तो बता दूं ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्य काम क्या है, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से उनको रेगुलेट करना। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 20 फरवरी 1997 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि उस चेयरमैन ऑफ ट्राई, तो राम सेवक शर्मा इज द चेयरमैन ऑफ ट्राई, ठीक है। इसके साथ साथ इसके सेक्रेटरी के बारे में पूछा जाए तो सुधीर गुप्ता जी इसके सेक्रेटरी हैं। अगला प्रश्न है आज के सेशन की शुरुआत, कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विभाजन के 4 वर्ष पश्चात अपने राजकीय चिन्ह की घोषणा की, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको पता होगा कि 2014 के जून के मंथ में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। सो विभाजन के 4 साल हो गए और 4 साल के बाद अभी जाके आंध्र प्रदेश ने अपने आधिकारिक भारतीय राज्य विभाजन के 4 साल बाद अपने राजकीय चिन्ह की घोषणा की। इस राजकीय चिन्ह में उसके राजकीय पक्षी है, उसके राजकीय पशु है और राजकीय फूल है। राजकीय पशु जो पक्षी है उसमें है रेड रिंग, जैसे रेड रिंग्ड जो प्रकृति है उसे राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ ब्लैक बक को राष्ट्रीय पशु और जैस्मिन को जो है राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा ये जो है दर्जा दिया गया, या तो किसके द्वारा ये सुनिश्चित किया गया, ये आंध्र प्रदेश के पर्यावरण वन विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा राज्य के नए चिन्हों की घोषणा की गई है। तो जब तेलंगाना, जब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो दोस्तों एग्जाम में आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए जरूरी हो सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो N. चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा उसके गवर्नर के बारे में पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है, तो ESL नरसिम्हन जो है उनके गवर्नर है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। कैपिटल कौन कहाँ है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की कैपिटल दो है, अमरावती और हैदराबाद। उसकी कब आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी, 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, ठीक है, क्लियर है। आंध्र प्रदेश से कौन कौन सी रिवर बहती है,
तो गोदावरी बहती है, कृष्णा बहती है, पेन्ना नदी बहती है और बामसाधरा नदी बहती है। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? गोदावरी और कृष्णा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बारे में और क्या पूछा सकता है? आंध्र प्रदेश में कौन सी फेमस क्लासिकल नृत्य जो है डांस है? तो कुचिपुड़ी जो है उसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। इसके अलावा उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने हाल ही में गूगल की पैरेंट कंपनी जो कि है अल्फाबेट को पछाड़ते हुए विश्व के तीसरे सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? आपको उस कंपनी का नाम बताना है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एचसीएल या इंफोसिस। तो दोस्तों हाल ही में जो सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, इन्होंने गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरे सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा प्राप्त किया है। तो वर्ल्ड की टॉप कंपनियों की लिस्ट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कौन सी है दोस्तों? गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है और फेसबुक है। आप लोग इन सारे के सीईओ के बारे में एक बार देख लीजिएगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जब आई है बात तो मैं बता दूँ, इसके बारे में पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक टेक्नोलॉजी कंपनी है यानी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके सीईओ के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कौन है सीईओ, तो भारत के सत्या नाडेला इसके सीईओ है, 2014 से ये इस पद पर कार्यरत है। इसके फाउंडेशन कब हुई थी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की? तो 4 अप्रैल 1975 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर पूछ लिया जाए तो यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर कौन है? तो बिल ग्रेट और पॉल एलन को इसका फाउंडर माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पतंजलि ने कौन सी नई ऐप लॉन्च की है? तो भारत की पतंजलि कंपनी ने हाल ही में किम्बो नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया है। क्या है ये किम्बो ऐप? ये किम्बो ऐप जो है ये व्हाट्सएप जो है सोशल मीडिया जो कंपनी है, सोशल चैटिंग साइट जो है उसके समान ही कार्य करती है। और इस किम्बो के द्वारा किसी भी अन्य फोन पे फोन किया जा सकता है वो मुफ्त में, साथ में वीडियो कॉलिंग की सुविधा है और ग्रुप चैट भी किया जा सकता है इस किम्बो की। इसका अर्थ क्या है किम्बो का? तो व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप है जिसका अर्थ क्या होता है, व्हाट्सएप का अर्थ है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है या कैसे हो, तो सिमिलर मीनिंग है व्हाट्सएप का ही, लेकिन ये संस्कृत का वर्ड है किम्बो, ठीक है। व्हाट्सएप का जो मीनिंग है सिमिलर मीनिंग है किम्बो का, बट ये एक संस्कृत वर्ड है। इसकी शुरुआत की है रामदेव बाबा ने। एक बात और पूछा जा सकता है कि किम्बो जो ऐप शुरू की गई है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? ये पतंजलि कंपनी के द्वारा शुरू की गई है, जिसके फाउंडर माने जाते हैं किसे? रामदेव बाबा और साथ में बालकृष्ण जी जो उनके साथी हैं। इसके अलावा हाल ही में पतंजलि कंपनी ने एक सिम कार्ड भी लॉन्च किया है। ये सिम कार्ड जो है वो BSNL के कोलैबोरेशन से इन्होंने लॉन्च किया है और इस सिम कार्ड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन अभी नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ वही पब्लिक जो पतंजलि में कार्यरत है उनके लिए ही ये सिम कार्ड शुरुआत की गई है। एक और प्रश्न है कि ये जो किम्बो है जो शुरू की गई है नई ऐप, उसका टैगलाइन क्या है? उसके टैगलाइन है अब भारत बोलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब भारत बोलेगा इज द टैगलाइन ऑफ किम्बो न्यू ऐप लॉन्च्ड बाय पतंजलि। तो जब पतंजलि कंपनी की बात आई है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि फाउंडेशन कब हुई थी? जनवरी 2006 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। अब देखिए 2006 में इसकी फाउंडेशन हुई और 2018 में मीन्स 2016-17 का ये रेवेन्यू है 10.561 करोड़ इसकी रेवेन्यू हो गई। टोटल 2 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज में कार्यरत है। इसके फाउंडर कौन है? रामदेव बाबा और बालकृष्णन जी को इसका फाउंडर माना जाता है। हेडक्वार्टर इसका फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड सॉरी दोस्त। अगला प्रश्न है कि दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष, फार्मा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीकी और शिक्षा क्षेत्र समेत अनेक समझौते किए गए। आपको बताना है कि कितने समझौते पे हस्ताक्षर किए गए? 15, 20, 22 या 25। कुल 15 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। ये सारे समझौते रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष, फार्मा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीकी और शिक्षा क्षेत्र के होंगे। तो जब इंडोनेशिया की बात आई है तो पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया की करेंसी कौन है? तो इंडोनेशियन रुपए इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इसकी राजधानी कहाँ है? जकार्ता में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो जोको विडोडो। जोको विडोडो इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया यात्रा के दौरान एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इंडोनेशिया ने किस बंदरगाह को आर्थिक और सैन्य इस्तेमाल के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? सबांग, तवांग,
रिकचोंग या लुआंग। तो सही उत्तर है कि इंडोनेशिया ने सबांग बंदरगाह को आर्थिक और सैन्य इस्तेमाल के लिए भारत को मंजूरी दे दी है। ये सबांग बंदरगाह आखिर में कहाँ है? ये बंदरगाह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगभग 710 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस बंदरगाह का क्या फायदा है, क्या करेगा भारत इस बंदरगाह का? भारत सबांग के पोर्ट को इकोनॉमिकल जोन के रूप में यूज करेगा, साथ ही उसमें एक हॉस्पिटल बनाने की भी बात की गई है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यायाम यानी नेवल एक्सरसाइज कौन सा है? आपको बताना है रिमपैक, मालाबार, वरुण या सागर कवच। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज यानी समुद्री व्यायाम रिमपैक को माना जाता है। रिमपैक यानी रिम ऑफ द पैसिफिक को माना जाता है। इसमें लगभग 26 देश भागीदारी होंगे, इसमें भारत भी शामिल है। ये कहाँ पे होगा? ये हवाई द्वीप और दक्षिण कैलिफोर्निया के आसपास होने की संभावना है। इसमें कुल कितने कब होगा ये 27 जून से लेकर 2 अगस्त तक होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री व्यायाम है। क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री व्यायाम कहा जाता है? क्योंकि इसमें लगभग 47 जो है सतह जहाज भाग लेंगी, 5 पनडुब्बियां भाग लेगी, 18 राष्ट्रीय भूमि बल, 200 से अधिक विमान, 25,000 कर्मी इस अभ्यास में भाग लेंगे। इसमें 26 देश भाग लेंगे, जिसमें से प्रमुख देश जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिणी कोरिया और यूनाइटेड किंगडम। तो इसी कारण से इसे दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यायाम यानी नेवल एक्सरसाइज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शोधकर्ताओं ने किस मानव अंग को 3D प्रिंट के जरिए विकसित किए जाने की घोषणा की है? कॉर्निया, मेरुरज्जा, अस्थिया, मस्तिष्क। तो दोस्तों हाल ही में रिसर्चर ने कॉर्निया को 3D प्रिंटिंग के जरिए विकसित किए जाने की घोषणा की है। कॉर्निया आपको पता है दोस्तों, ये आंख का जो ये ट्रांसपेरेंट भाग होता है इसे कॉर्निया कहा जाता है। और पहली बार वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग के जरिए मानव आंख कॉर्निया बनाने का दावा किया है। इससे क्या फायदा होगा? इससे जो नेत्रदान करने वाले की जो कमी थी उसको पूरी की जाएगी, साथ ही जो लाखों लोग की दृष्टि बाधित थे उनको दृष्टि मिल सकेगी। अगला प्रश्न है कि हर साल 31 मई को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन और सहयोगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। 2018 में भी मनाया गया, तो इसका विषय क्या था? 2018 का थीम क्या था विश्व तंबाकू निषेध दिवस का? टोबैको एंड हार्ट डिजीज इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टोबैको डे जो मनाया गया। इसे क्यों मनाया जाता है? इसमें मनुष्य को अवेयरनेस फैलाई जाती है कि तंबाकू के द्वारा जो हानि या जोखिम है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, साथ ही तंबाकू के खपत को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का मुख्य उद्देश्य है इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन लेनिन पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने? तो सही उत्तर है कमलजीत बाबा को भारतीय जो है लेनिन पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का दर्जा मिला है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये लेनिन पदक हर साल लेनिन सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा जीव वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। और 2018 का लेनिन पदक भारतीय वनस्पतिविद कमलजीत एस बाबा को मिला। ये क्या है? ये बेंगलुरु स्थित एक अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के अध्यक्ष हैं। ये लेनिन जो है पदक की शुरुआत कब हुई? 1788 में दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय जैविक समाज और प्रसिद्ध स्वीडिश जीव वैज्ञानिक जो थे कौन थे? कार्ल लेनिन, उन्हीं के नाम पे ये लेनिन पदक शुरू किया गया। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तब से अब तक किसी भी भारतीय को ये पदक नहीं मिला था। पहली बार 2018 में कमलजीत बाबा को लेनिन पदक मिला है भारत की ओर से। अगला प्रश्न है कि उत्तरी सेना का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है रणवीर सिंह जी को, लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह को उत्तरी सेना का नया कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो आखिर में अब भी क्यों नियुक्त किया गया रणवीर सिंह जी को?
कारण ये था कि इसके पहले उत्तरी सेना के नए कमांडर जो थे वो अंबू थे, अर्थात लेफ्टिनेंट जनरल अंबू जो थे वो उत्तरी सेना के नए कमांडर थे, पर हाल ही में उन्हें भारतीय सेना के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया। सो ये जो पोस्ट है उत्तरी सेना का नया कमांडर वो ब्लैंक हो गया। इसी कारण से रणवीर सिंह जी को नया उत्तरी कमांडर के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? रणवीर सिंह जी को, लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? कृष्ण मुरारी, हेमंत गुप्ता, इंदिरा बनर्जी या अभिलाषा कुमारी? तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे कृष्ण मुरारी जी। तो जब पंजाब की बात आई है तो उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेना जरूरी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, क्लियर है। गवर्नर कौन है पंजाब के? तो बीपी सिंह बोडनोरे इज द गवर्नर ऑफ पंजाब यानी राज्यपाल। कैपिटल कहाँ है पंजाब की? तो लुधियाना इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो जब पंजाब के बारे में बात हो गया तो हरियाणा को क्यों छोड़ दिए हम लोग? हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट राज्यपाल कौन है हरियाणा के? तो कप्तान सिंह सोलंकी इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आपके होमवर्क का वक्त है। आपको बताना है कि 6 मास्क को हाल ही में GI टैग का दर्जा मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है 6 मास्क, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि 6 मास्क के साथ साथ और किस किस चीज़ों को जो GI टैग मिला, क्लियर है। एक चीज़ क्लियर हो जाएगी तो बाकी चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। साथ में ये भी आप जान पाएंगे कि 6 नृत्य उसी राज्य का एक मुख्य नृत्य भी है। आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। जल्द ही मैं लौटूंगा, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।